भाई साहब, पहले लोग नेट चलाते थे 250 रुपए में 1 GB मिलता था एक महीने के लिए। यही बंद हो जाओ, यही जियो के, यही बंद चला दो, यही बंद हो, यही में ये चला दो, यही जियो की बदौलत है। नोटबंदी के लगभग उन तारीख ने देखो यार, मैं तो उनसे मन रहा ना, मैं नेट चलाऊं, हमारे बालक भी लाए, आईडी ले गए और सिम ले आओ, बाप के नाम पे, बेटा के नाम पे, पत्नी के नाम पे रोक बांध ही ना, चूल्हे रोक ले आओ, किसी के पे ले आओ जी, और उन आईडी के गट्ठर बंधे और 1000 आईडी इकट्ठी, 1 लाख आईडी इकट्ठी कर ली, 2500 की उगा करो 1 लाख में, बैंक को गट्ठर गयो पूरा वापिस आ गो, उसमें भी नहीं फायदा हुए, हमें ना हुए हम फायदा ना, मतलब बैंक केवल हमारी लोगों की आईडी लेके उनको, अरे यार आईडी भी तो बैंक दे रहो, समय दे रहो, आईडी ले तो कौन सी नोटबंदी में आईडी रुपए है, आईडी पे 2500 रुपया तक रोज बदल लो, रोज बदल लो, वो सिम 2500 में बिकी जिसे तुम्हें फ्री में दी गई 10 रुपए की सिम। अब सुनो बात को समझो, बायलॉज को समझो, अब सुनो, अगर वो ऐसे ही दानी है टाटा के 5 देश के नया अनुसंधान केंद्र चल रहे हैं, जो रिसर्च सेंटर है केवल देश के नया टाटा के, अंबानी तो कहा ये रजाई भी ना दे सके फ्री में, नहीं है बेड बेड समझ गए, अस्पताल दिया है कोविड में, हाँ दे दियो अस्पताल, हाँ वहाँ में टैक्स में इंतजाम बचा लेगा, मैं भी जानू व्यापार करके तो टाटा भी तो बचा, वो जो सिम है वो गठरन थे आई डी गई पूरे देश थे और कई लाख करोड़ रुपया इन्होंने इतने को बदल दियो उन आई डी थे, वो जो फ्री की सिम बटी इन्हें पहले से ही बताई क्या फॉर्मूला फिट होने वालों, तरकिया तो नहीं आता ऐसे कोई, किसके दे दिए तो, अरे आईडी तो गई सिम फ्री में मिली, पर आईडी का रजिस्ट्री लिखवा ले गया उन्होंने, किसने 2500 रुपए तो बोले, वो आईडी 2500 में बिकी हमारी, एक बात बताओ, सुनो कहां जा रहे हो, हां सुनो, हां सुनाओ, पहले जियो आ गई ठीक है भाई साहब, पहले लोग नेट चलाते थे 250 रुपए में 1 GB मिलता था एक महीने के लिए, यही बंद हो जाओ, यही मेरी बात है, दिमाग में कर लियो, फीड कभी समझो पागल भौंक रो, ध्यान दे सुनो, पानी पानी गरम लाइयो, जब जब फोर स्ट्रोक मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी भारत में नहीं, मेरी बात को समझियो, तब राजदूत मोटरसाइकिल 35-40 हजार की मिले रही, अगर फोर स्ट्रोक नहीं आती तो राजदूत 1.5-2 लाख की मिलती, फोर स्ट्रोक आई राजदूत गायब, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, टेक्नोलॉजी जब आती है तो पहले महंगी आती है बाद में सस्ती हो जाए जी, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन 1978 में हमारे चाचा जी ने खरीदो 3200 रुपए को आयो, जब 75 रुपए कुंटल गेहूं बिके, 76-77-78 में 3200 रुपए को टीवी आयो काट की बॉडी में, आज शटर बंद, आज की स्थिति क्या है, वहां कहते मिस्त्री भाग गए देश से ब्लैक एंड व्हाइट के, टीवी खत्म, क्योंकि टेक्नोलॉजी दूसरी आ गई, सही बात, एलईडी आई भाई, एलसीडी एलईडी 2-3 टेक्नोलॉजी तो इनमें ही बदल गई, टेक्नोलॉजी जब आएगी 4G 3G, अब जैसा कहते हैं मेट्रो चल रही है भारत में, यार कनाडा की सगी हुई टेक्नोलॉजी है, जब उन्हें जरूरत ना यहाँ भेज दी, यहाँ जापान कनाडा उन देशन की सगी हुई टेक्नोलॉजी है, उनकी मेट्रो देखो जाके कैसी है, सहूलियत तो हो रही ना, तो अरे तो भैया भूखे बासी रोटी देते वाते काम चल जा, सहूलियत हो रही है, मतलब नए फॉर्मूला लाते हो, मैं आना कह रहा हूँ बासी रोटी, टेक्नोलॉजी के नाम पे देश बहुत फिसक गई है, इससे बहुत देश आगे निकल गए, बुलेट ट्रेन आ रही है, तुम कह रहे फिसक गई है, यहाँ बुलेट ट्रेन आ गई, बेटा पकड़ गई सर, गई जो देश भारत हमसे बाद में आजाद हुए उन्हें बुलेट ट्रेन चल रही है, यार तुम पूरी ज्योग्राफी में पकड़ो भूगोल दुनिया की, ये तो बेकाने आ जाए, इन्हें ने समझी किसान है बाबरे बैठी, तो इनके नाम पकड़े लिखे ना है, जो देश डेवलप हुए ना उनमें टैक्स दे रहा है हर आदमी, और आप जैसे लोग कभी टैक्स नहीं देते, तो हमारी डेवलपमेंट भी चाहिए, हमारी खाल चाहिए, हमारी खाल है बेच के चमड़ा बनवा दे, तो काम पे यूज है और तो कोई सौदा है ना भाई, कौन सा टैक्स दे रहा है बता दो, इनमें से कौन सा टैक्स दे रहा है, कौन सा टैक्स लगा रहा है, क्यों डेवलपमेंट हमें चाहिए, मेट्रो आ गई तो बासी रोटी आ गई, बासी रोटी कैसे आ गई, अरे सुनो भाई मेट्रो बासी रोटी, सुनो यार सुन तो लो, सुन लो भैया, सुन लो या ना सुन लो, सुन लो भाई, तुम कैसे कह रहे टैक्स ना दे रहे,
सही बात, हर चीज पर जीएसटी है, हर चीज पर जीएसटी दे रहे हैं। बैक गियर लगा ले, सरकार के सरकार भी ऐसी है, वकील भी ऐसे ही। सुनो सुनो, लो 40-42 प्रति डॉलर कच्चे तेल के रेट है, जो 1990 के दशक में, और तेल बिक रहा 75-80। सुनो यार, तसल्ली तो करो, बहुत मोटो पैसा तो तेल तेल कमा रहे हैं, हम आखन पे पट्टी क्यों बांध रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। इधर भैया देश चलेगो का इतने खान पीन दो 18% टैक्स लगे, ट्रैक्टर खरीद रहे वहां पे टैक्स, लत्ता खरीद रहे वहां पे टैक्स, टोपी बनवाई यहाँ पे टैक्स, जूती पहनी यहाँ पे टैक्स, तेरे या धंधु पे टैक्स, बताइए क्या लोगे? और एक टैक्स और है, हमारी खा रहे और बिकवा इधर और उधर, यार बटवा काम है। पर यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, लगा दे लगा दे लगा दे। अब एक बात बताओ, सरकार अभी 6 साल से आई है, टैक्स लगाना शुरू करो। देश का किसी भी देश का डेवलपमेंट कब होता है? जब तक जनता उसको टैक्स नहीं देती। अमेरिका, जापान, भैया क्योंकि जनता टैक्स दे रही है। भैया अगर टैक्स दे रहे हो तो तुम पे क्या आफत आ रही है? टैक्स नहीं बढ़ा रहा। रुको भाई रुको रुको नहीं रुको भैया, अगर जीएसटी लग रही है सुन ली, कौन सी आफत आ रही है? एक मैं सुनता हूँ, मैंने सुन ली, एक वर्ड में समझ जाऊँ तुम्हारे प्रश्न है। सुनो गौर से सुनो, जब ये नोटबंदी लाए किसी ने विरोध करो? नहीं करो, करो कांग्रेस ने करो। अरे यार मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, कांग्रेस की बात पूछो कांग्रेस से जाकर, मैं कांग्रेस को वकील ना हूँ। मुझे तो पता नहीं, ना ना मैं कांग्रेस को वकील ना हूँ। नोटबंदी लाए जनता ने किसी ने विरोध करो? नहीं करो। जीएसटी लाए जनता के किसी आदमी ने विरोध करो? नहीं करो। नहीं करो। अब जब ये हमारा ही डेथ वारंट लिया है तो हम विरोध करते हैं, क्यों? नोटबंदी में हम भी कह रहे खजाने भरभरा लेंगे, अब भरो खा लिया पतोना। उसके बाद ये जीएसटी लाए, भैया टैक्स लगेगा तो देश चलेगा। अब इनके हाजमा सुन लो, 50 किलो को कट्टा में लेकर रहे हो यूरिया का, यूरिया डीएपी 5 किलो खाते खा गए, हजम कर गए। जितने भी सामाजिक व्यवस्था में जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं पुलिस, इनकी पेंशन खा के हजम कर गए। इनके हाजमा कितने दुरुस्त हैं? आरबी की बढ़ा भी तो दे। अरे सुनो सुन लो भैया बात है, सुन लो रेलवे खा के हजम कर गए, बिजली खा के हजम कर गए। एक नया कानून हो रहा है, ओ भाई वाह, और सुन लियो सब, ये बिजली पे एक नया कानून लाए, सभी सुन लो। हाँ सुन लो, अगर एक भैंस थे यानी एक जानवर थे, किसान दूसरा जानवर रखेगो तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगो, तब भैंस के संग तो बच्चा भी आवे यार, वहां को क्या इलाज है? भैंस दूध नहीं देगी बगैर बच्चे। सुन लो सुन लो, अब वहां 2020 को इलेक्ट्रिक कानून लाए, ये क्यों क्यों वहां को कारण है? या भैया भी मैं बता दूं, वकील साहब तुम भी सुन जाओ, सुन के जाओ। ये लाए नोटबंदी, किसी भी बड़े से बड़े अर्थशास्त्री से बात कर लो जो कॉमर्स के बारे में जानते हो, मैं तो जानूंगा हूँ। भैया नोटबंदी क्यों आई यो पतो ना, भैया एक मिनट बंद कर लो, नोटबंदी क्यों आई यो पतो ना। फिर लिया ये जीएसटी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जिन्हें सीए बोलते हैं, जो इनकम टैक्स के वकील हों, उनसे बात करो भैया ये क्यों आई यो पतो ना, मो तो पतो ही ना आखे। अब लिया ये हमारा डेथ वारंट, किसान से पूछो यो भैया ये कहा यो पतोना, ये पतोना वाले कानून बनाने बंद कर दे, पहले जनता को पतोगे ना जब कानून बनाओ। मैं एक बात तो यार सुन लो बगी साहब, और सरकार भावनाओं में देश को बहा रही, भावनात्मक पहलू में बीजेपी हकीकत ढूंढ रही, भावनात्मक पहलू में हकीकत नहीं होती, कर्म करोगे जब हकीकत मिलेगी। और जिनते ये अटकी है, ये तो पत्थर को भगवान मानते हैं, हम पत्थर से भगवान बाहर निकाल लेते हैं, वो जनता है ये गलत अटक गए हम। आज बिल्कुल भाई आप कह रहे हो पतोना, कौन सी चीज पतोना है? सब सब चीज पतो, हमें 15 लाख की पतो होती ना मिलेंगे तो वोट ना देते। 15 लाख सुनो कैसा मोदी जी को वोट दिया था क्या आपने? सुनो
क्या कह रहे हो? मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया था क्या आपने? भैया वोट या हमारे दिए, विकल्प नहीं है। सही आदमी समझ रहे हैं। जब विकल्प नहीं हो रहा बूढ़े आदमी है दे दो। मोदी जी गलत रहा है आज भी, सुनो मेरी बात, मोदी जी आज भी गलत रहा भैया। ये तो बीजेपी के नागे ढोने पड़ रहे हैं, वह डूबते जहाज के इन्हें। ये तो बुढ़े आदमी है यार, यहाँ छोड़े अपना भजन ध्यान दे लग जाए, इनको क्या मतलब है बीमारी पड़े, इन्हें हम भी झूठ बोलनी पड़े। सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी तुम, कहते हो बूढ़े आदमी है। कौन सी सर्जिकल बात कर रहे हो? कौन सी 56 इंच का सीना है भागो अगले को। सुनो 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 का किसान ना बेटा, दो बार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करवा मैं रंगोया को उत्तर तुम्हें बड़े बूढ़े आदमी है, जनता ने बैठा दिए हमारे बालक वहाँ बॉर्डर पे लगी रहे, उनने कही रहा बाल को देखियो ये कहा कर रहे हैं, बाल करने को ठोक दिए मोदी जी ने, बाप कहा कर दियो बड़े बूढ़े की बात। हमारे बालक संस्कारी है भाई, संस्कारी बालक है, सामाजिक बालक है। अब बड़ा बूढ़ा कोई आदमी कहने लगे ना देखियो बालक को, हमारे घर में तो ना घुसे आयो, बाल करने दिया कि उठोक दिया हमको, ये कौन सी बात है? देखो गीता है हंसने की बात, हंसने की ना सच्चाई, लेकिन सच्चाई बिना प्रधानमंत्री की आज्ञा के कोई मिले। मैं कहता रहा हूँ बड़े बूढ़े ने कही के देख लियो बाल को, उन्हें ठोक दिए। पहले बड़े बूढ़े बड़े बूढ़ों का दम भी तो देखो, ठोका साले में कोई किसान के बाल करने। भैया 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 सुनो पहले जो प्रधानमंत्री है वो रहे चुप, उन्हें कहा अपनी मेहनत पे दिखाई ना दो का है रो, ये बैठ गए देखने लगे। वो पहले बारे भी हमारे बालकन तो कहते जब हमारी बालक ठोकते और इन बुढ़े आदमी पर रास्ता चलो ना दिखाई दे रही है मेड़ तो भी तुम्हें अच्छी ना लग रही। कौन सी ये बड़े बूढ़े कम तक मैंने मेड़ तो दिखाई दे रही है, बड़ा बुआ घरे ही रखा बे ये काम कर, दुनिया भर के डांगे क्यों ढो रहे हैं? बड़े बूढ़े को काम है, चुप बैठ जा घरे रखा तो रहे, रोटी खाओ भजन करो। अब बड़े बूढ़े ना पूरी ठेकेदारी ले ले, ठेकेदारी कोई तो लाए ना भैया, अपना यहाँ कोई भजन करने को लाए? 70 साल के आदमी हमें आवे तर्स, और ऐसे बड़े बूढ़े पे भाई जनता राजी ना काम करवाने को हाथ जोड़ के। तो राहुल गांधी ले आओ फिर, नहीं नहीं गांधी पार्टी को तो काम कर, हमसे किसी राजनीतिक पार्टी की बात मत करें, उसके बाद बीजेपी। ये तो बोले की 2024 में भी आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कौन कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है। बीजेपी की तो 3 सीट आंगी भाई, विपक्ष में ढूंढो ना मिला ही ना बैठने को अपने संग। देख लियो हाँ, वो तो डंके की चोट पे कह रहे की आऊंगा। अरे तो उन्हें कहने दो यार, तुम उनकी बात ने मत बताया करो, तो हमें लेके क्या कह रहे हैं बताओ, हमारी बात भी कहते करो। कहीं हैदराबाद में जीत रही है, जहाँ चुनाव है वहाँ जीत रही है बीजेपी। यार नाली नाली बोरी के चुनावन की तो हमें तुम यह कथा सुनाओ, बताओ इन्हें नाली बोरी के बता दिए, नाली बोरी के चुनाव है उन्हें मत बताओ, देश में ना है नाली बोरी। हाँ तो नाली मोरी साफ करो, कौन ने मने करी यार, करो मने करी काई ने खमा खामोगा की बात है। तो बताओ आगे किसानों का, किसानों की क्या स्ट्रेटजी है अगर कल ये बात आपकी नहीं मानते तो आगे का क्या? हमारी बात है ये मानेंगे, और पूछ के आओ कि कितनी देर में मान रहे हो, वो मिलते ही नहीं ना, ना मिलते तो तुम अपने आराम से हम दे पूछ के, हमें सिर्फ यह बताने आए करो कि उनकी हालत क्या है, हमारी मत पूछो। वो मिलते ही नहीं तो बताऊं कैसे? वो मिलन लगे जब पूछ रही हूँ। हमारी रणनीति कच रही है, यहाँ पड़े है बढ़ रहे, जा दिन दाम देखेंगे, वहाँ दिन अपनों कोई बना लेंगे प्रोग्राम, और तुम्हें हम बतावे क्यों आगे की? तुम तो हमारी पिछली भी ना पूछ के आए, हम क्या आगे की पूछ लो? ना ना ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, ऊपर जो बैठे ना नेशनल वाले वो नहीं पूछ रहे, तो उनसे को ना जाएगा पूछने लगे। चलो अभी मोदी की तरह वो भी ना पूछते हैं, जलसा बढ़ता जा रहा है, प्रस्ताव दे रही है, बार बार ठुकरा रहे हैं उनको। काय को प्रस्ताव दियो बेटा, तो पे है कोई कागज? जा भाई, तो पे बेटी कोई कागज है? संशोधन का प्रस्ताव दिया था कहाँ? किसे दिखा रहे? किसे दिखा रहे भाई? किसे दिखाए हो बेटा? संशोधन का प्रस्ताव तो दिया है सरकार। संशोधन को क्या मतलब यार? संशोधन क्या होता है? डस्टबिन में फेंको जब बात करो हमसे। अच्छा संशोधन नहीं चाहिए? संशोधन है कावा में भाई, नौकू ये गलत मानने, 12 को हम मानने, 15वां में खुल ले, वहां में रेखा गए हो, पूंछ को बाल उसे फेंको।
अलीगढ़ शहर का नंबर वन कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास जीटी रोड अलीगढ़, मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। अलीगढ़ का नंबर वन बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।